अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है झांसी भाषणी और ये है होंडा सिविक स्टैंडर्ड 2022 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई है और पाकिस्तान में भी इस गाड़ी को 2021 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। ये इस गाड़ी का 2022 वर्जन है और इसमें इनिशियली 3 मेन वेरियंट्स लॉन्च किए गए हैं, सिविक बेसिक, सिविक ओरियल और सिविक RS टर्बो। ये इस गाड़ी का बेसिक वेरियंट है जो कि सबसे छोटा है और इसकी प्राइस 5570 है। इस गाड़ी का जो बड़ा वेरियंट है यानी ओरियल, उसकी प्राइस 5820 है और उसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन जो है RS टर्बो, उसकी प्राइस 6670 है। ये रिव्यू मैंने जून में शूट किया था, अब इस गाड़ी की प्राइस फिर से रिवाइज हो चुकी हैं और अब इसके बेसिक वेरिएंट की प्राइस 6799 है, जो कि अच्छे खासे पैसे हैं इस गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी का जो RS टर्बो वर्जन है वो अब तकरीबन 81 लाख रुपीज़ का है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे खासे पैसे हैं। अगर आप सिविक RS ऑन पे लेते हैं तो इस गाड़ी पे ऑन तकरीबन 10 लाख रुपए चल रहा है। 10 लाख रुपए ऑन दे के आपको ये गाड़ी तकरीबन ऑन रोड आते आते 95 लाख रुपए की पड़ेगी, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से सिविक के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इसके ये 3 मेन वेरिएंट्स हैं, इनमें एक इंजन साइज ऑफर होता है 1.5 टर्बो, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस का फ़र्क है। इसमें 2 फिगर्स आते हैं। RS टर्बो जो है वो कार्बन 78 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह यह है कि इसमें ट्रांसमिशन सिंपल ऑटोमेटिक आती है, जबकि RS टर्बो में ट्रांसमिशन LLCVT आती है। खैर, ये इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है स्टैंडर्ड, और इसमें जो चीज़ें नहीं आती वो है, एक तो सनरूफ, इसमें सनरूफ नहीं दी गई। इसके अलावा इसमें सनग्लास होल्डर नहीं आता। इसके जो सीट्स हैं ये फैब्रिक की फिनिश में है, लेदर नहीं आता इसमें। इसकी स्क्रीन 7 इंचेस की आती है, अगर आप इसको अपग्रेड कर लें तो ये 9 इंचेस की भी हो जाती है। 7 इंच वाली स्क्रीन में फ्रंट कैमरा नहीं आता और ना ही इंटीरियर का कैम आता है। इस गाड़ी में इंटीरियर में भी कैम दिया गया है और फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये कार लैक करती है एज़ कम्पेयर टू ओरियल। तो खैर, पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए अच्छी कार है, ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। अगर आप इसके बोनट वगैरह पर गौर करें तो ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी सिविक से बहुत मैसिव है, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक एक्स से कम एग्रेसिव है। ये इस गाड़ी का क्योंकि बेसिक वर्जन है तो ये कार कुछ चीज़ें लैक करती है एज कम्पेयर टू RS या इसका जो ओरियल वर्जन है। सबसे ऑब्वियस चीज़ जो है वो है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट इस गाड़ी में हेलोजन वाली आती है, बेशक वो लो हो या हाई बीम हो, दोनों इसमें हेलोजन वाले दिए गए हैं, और उसमें ऊपर एक DRL दी गई है, जबकि RS टर्बो के अंदर हेडलाइट LED वाली आती है। बाकी नीचे इस गाड़ी में फॉग लैंप भी नहीं आते इसके बिल्कुल बेसिक वेरियंट में, तो अगेन इसमें फॉग लैंप भी मिसिंग है। इस गाड़ी के ओरियल और RS वर्जन के अंदर फ्रंट कैमरा भी आता है, जो कि स्टैंडर्ड में नहीं आता, लेकिन क्योंकि इस स्पेसिफिक कार के अंदर जो मल्टीमीडिया सिस्टम है वो 9 इंचेस का लगा हुआ है तो इसके अंदर कैमरा आता है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से, लुक्स के लिहाज से इसकी 11th जनरेशन जो है सिविक की, ये काफ़ी अग्रेसिव है। इसके फ्रंट से लेके टेल लाइट तक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्टल लाइन कंटिन्यू करती है। इसी तरह इसके डोर हैंडल भी थोड़े मैसिव हैं। बाकी इसकी विंडोज़ के आसपास ये क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। ऊपर एक शार्प एंटीना दिया गया है, और इसके अलावा इसके जो रेड फेंडर पर कट्स एंड कर्व्स वगैरह दिए गए हैं ये इस गाड़ी को काफ़ी बल्की सी लुक देते हैं। इवन इसके जो व्हील्स हैं ये बॉडी से थोड़े बाहर करके हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक थोड़ी हैवी आती है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट इस गाड़ी की अगेन LED में है, लेकिन इसमें भी इसका जो इंडिकेटर है और रिवर्स है ये हेलोजन में है। बाकी इसमें ब्रेक के लिए नीचे 2 स्ट्राइप्स दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल रेयर लुक की, तो ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अग्रेसिव है। ये सिविक एक्स से ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, इस तरह से कि इसकी ट्रंक की जो लुक है ये काफ़ी स्लोपिंग सी आती है। इसमें ये ऊपर एक स्पॉइलर टाइप कैरियर दिया गया है। इस गाड़ी का जो RS वर्जन है उसमें लिप स्पॉइलर भी आता है, जो कि इस कार में नहीं है। और उसके अलावा इस गाड़ी में एक बैक कैमरा भी आता है। और अगर बात की जाए इसकी टेल लाइट की, तो अगेन इसकी लुक्स मेरे ख्याल से अच्छी हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी 409 लीटर है, जो कि सिविक एक्स से थोड़ी कम है। सिविक एक्स में ट्रंक 427 लीटर का आता था। और उसके नीचे इस गाड़ी का स्पेयर टायर दिया गया है, जो कि फुल साइज है, और इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी आती है। बाकी इस गाड़ी की रियर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें इंडिकेटर आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। लेकिन कंपैरेटिवली इसमें जो एक फीचर नहीं आता और RS में आता है वो है हीटेड। ये साइड मिरर हीटेड नहीं है, जबकि RS टर्बो के साइड मिरर हीटेड आते हैं। बाकी ओवरऑल लुक्स के लिहाज से अगर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को ये कार बिल्कुल पसंद नहीं आई, कुछ लोगों को पसंद आई है, मेरे ख्याल से ये कार जैसे जैसे ऑन रोड आती जाएगी लोगों को इसकी आदत होती जाएगी।
ये कार अगर आप ऑन रोड देखें ब्लैक कलर में स्पेशली तो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो उसका साइज़ काफ़ी मैसिव है और उसके अलावा ऑब्वियसली एक नई कार है तो इसकी फिनिश, इसकी कट्स एंड कर्व्स वगैरह, इसकी टेल लाइट, हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी मॉडर्न है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये होंडा सिविक स्टैंडर्ड वेरियंट का इंटीरियर है जो कि काफ़ी हद तक आर एस टर्बो या ओरियल जैसा ही है। इसके डैशबोर्ड में कोई खास फर्क नहीं आते स्क्रीन को छोड़ के। इसकी स्क्रीन ये बड़ी वाली लगी हुई है, आप ये अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। अभी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक की, तो ये मेरी ओपिनियन में बहुत मज़ेदार है। इस गाड़ी का इंटीरियर मेरे ख्याल से रिबर्थ के बाद इस कार का इंटीरियर वाकई में एक बहुत अच्छा इंटीरियर है। इसमें एयरवेंट्स की ग्रिल काफ़ी मैसिव दी गई हैं और इसकी ओवरऑल जो इंटीरियर की लुक है ये काफ़ी अच्छी आती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-spoke है। इसकी लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआईडी डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में बेसिक आता है, इसका जो बड़ा वेरियंट है आर एस टर्बो उसमें ये अडोप्टिव भी आता होता है। स्टीयरिंग से पीछे ये इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट भी इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक सी हैं, इनमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता और ना ही वाइपर्स में। इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स के अंदर हेडलाइट्स और वाइपर्स ट्विन सेंसिंग आते हैं और हेडलाइट्स गाड़ी की ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती हैं रातों दिन को सेंस करके। उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर, इवन बेसिक वेरिएंट के अंदर भी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। ये मीटर होंडा इनसाइट में 2018 से आ रहा है, जबकि सिविक में ये 2021 से आना शुरू हुआ है। खैर, राइट पे जो डायल दिया गया है ये एनालॉग है, लेफ्ट पे जो डायल दिया गया है ये बेसिकली 7 इंचेस की स्क्रीन है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि सेटिंग इस गाड़ी की मेंटेनेंस यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे आपको ऑयल ड्यूरेशन वगैरह भी शो होता है कि ऑयल कब चेंज होना है आपका। इसी तरह यहाँ पे ड्राइवर टेंशन भी आता है, स्पीड, टाइम, रेंज, फ्यूल वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। इस गाड़ी के जो इंटरनेशनल वर्जन हैं उनमें 360 डिग्री कैमराज भी आते हैं और उनका व्यू आपको यहाँ पे शो होता है। इसी तरह यह मीटर अकॉर्ड में भी आता है, तो अकॉर्ड में भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं जो कि आपको स्क्रीन के अंदर शो होते हैं, बट इसमें वैसा कुछ नहीं दिया गया। इसमें फ्यूल गेज यहाँ सेंटर में दिया गया है, जबकि इनसाइट में और अकॉर्ड में यह इनसाइट पर आता होता है। खैर, इसके मीटर की हाउसिंग भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली लेदर की फिनिश में है। ऊपर वाला ये काफ़ी बड़ा सा एरिया दिया गया है जो कि सॉफ्ट टच मटेरियल में है। नीचे इसके ये एयरबड्स दिए गए हैं जिनका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इसके ऊपर एक ये ग्रिल दी गई है जो कि इनको डैशबोर्ड के अंदर ही ब्लेंड कर देती है, तो आपको प्रॉपर एयरबड्स नज़र नहीं आ रहे ये जब से ग्रिल दी गई है यहाँ पे। एडजस्ट करने के लिए इसमें ये नॉब्स दिए गए हैं। इसी तरह ड्राइवर के राइट पे भी ऐसा ही एयरबड दिया गया है और इसमें अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी है। इस तरह से कि इस एयरबड के नीचे जो ओपन क्लोज करने का डायल है ये भी प्रॉपर लेदर की फिनिश में है, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल होंडा। रिबॉन्ड के बाद ये गाड़ी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी हाई है। इसी तरह डोर्स में भी इसके मोस्टली एरिया सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है तो इसमें डोर्स के अंदर ये फैब्रिक यूज़ किया गया है। इसके बड़े वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पे लेदर आता है और आर एस टर्बो के अंदर यहाँ पे लाइट्स भी आती हैं। इसकी स्क्रीन 7 इंचेस की आती है, अगर आप इसको अपग्रेड कर लें तो ये 9 इंचेस की भी हो जाती है। 7 इंच वाली स्क्रीन में फ्रंट कैमरा नहीं आता और ना ही इंटीरियर का कैम आता है। इस गाड़ी में इंटीरियर में भी कैम दिया गया है और फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये नोट पैनल है, इसमें मैप्स भी आते हैं और उसके अलावा इसमें यूएसबी लग जाती है, ऑक्स आती है इसमें, यहाँ से आप कार्ड डाल सकते हैं इसके अंदर, ब्लूटूथ से म्यूज़िक चला सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एरिया दिया गया है जहाँ पर आप हाथ रख के इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके नीचे एयरबड्स दिए गए हैं जिनके बारे में बात कर चुका हूँ, इनका डिज़ाइन काफ़ी मज़ेदार है मेरे ख्याल में। हेडलाइट का बटन और उसके अलावा नीचे इसका यह क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी की अट्रैक्शन है, इस तरह से कि ये डुअल जोन है। सिविक में पहली बार क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन दिया गया है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ड्राइवर का टेम्परेचर 24 पे है और पैसेंजर का 21 पे। अगर मैं सिंक ऑन कर दूंगा तो ये दोनों के सेम हो जाएंगे। सिंक ऑफ करूंगा तो ड्राइवर अगर एसी ज़्यादा करना चाहता है तो एसी ज़्यादा कर लेगा, पैसेंजर के पास हवा नॉर्मली आएगी। सिंक करेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। बाकी इसके डायल्स जो हैं ये लेटर स्विफ्ट जैसे हैं, स्विफ्ट में भी कुछ इसी तरह के डायल्स आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए सेंटर में डायल दिया गया है और इसकी फील भी मज़ेदार है और इसमें यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है बीच में। बाकी इसमें ये मैक्सिमम ऑप्शन दिया गया है, गाड़ी टेम्परेचर फुल लो करके गाड़ी को मैक्सिमम ठंडा करती है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे यूएसबी इनपुट दिया गया है और चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। उसके साथ नीचे यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी ड्रॉट दी गई है, लेकिन ये ब्लैंक है, इसमें कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता, होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर इस गाड़ी का सिविक एक्स जैसा ही है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। स्पोर्ट्स में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं और लोड में अगर आपने कहीं चढ़ाई पर चढ़ानी है तो आप इसको एल में रखेंगे। सिविक में ओरियल के अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, इस गाड़ी का जो आर एस टर्बो वर्जन होता है उसमें यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए होते हैं। इस गाड़ी में होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिए गए।
और उसके अलावा साथ यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर छोटा है, एक बड़ा है। और उसके अलावा इसकी जो फिनिश है ये भी टेक्सचर्ड है, तो यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं आएंगे। यहाँ पे इसका इको मोड दिया गया है, इसमें कोई ड्राइव मोड सेलेक्टर नहीं दिया गया। RS Turbo के अंदर ड्राइव मोड सेलेक्टर भी आता है, इसमें ड्राइविंग मोड सिर्फ दो ही आते हैं, इकोन ऑन और इकोन ऑफ। इसके अलावा कोई इसमें ड्राइविंग मोड नहीं दिया गया। पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है और ब्रेक होल्ड दिया गया है। और गिल लेवर से पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अगेन पूरे ही इंटीरियर की तरह फैब्रिक की फिनिश में है। और ये इसकी सेंटर कंसोल की कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है। और इसके सेंटर में एक ही बॉक्स ट्रे दी गई है, जिसके पीछे इसकी सिविक की हिस्ट्री दी गई है। ये सिविक की पहली जनरेशन बनी हुई है और यहाँ पे एक टैगलाइन दी हुई है, द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है। बाकी इस गाड़ी का सारा ही इंटीरियर फैब्रिक की फिनिश में है। इसकी सीट्स, सेंटर कंसोल, डोर पैनल सारे फैब्रिक की फिनिश में आते हैं। इसी तरह इसके अंदर कोई एम्बियर लाइटिंग वगैरह भी नहीं आती, जो कि सिर्फ RS में आती होती हैं। बाकी इस गाड़ी में सीट्स टू वे एडजस्टेबल हैं, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और उसके अलावा सिविक ओरिजिनल में जो एक और मेजर डिफरेंस है वो है सनरूफ। इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आती और ना ही सनग्लास होल्डर आता है। बाकी ओरियल में और स्टैंडर्ड में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। RS Turbo के अंदर डोर्स में एम्बियर लाइटिंग आती है, जो कि ना ओरियल में आती है और ना ही स्टैंडर्ड में आती है। बाकी साइड मिरर सिविक के तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर डिटेक्टेबल आते हैं। ये इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है, बट स्टिल इस गाड़ी के साइड मिरर डिटेक्टेबल हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। बैटरी इस गाड़ी में प्लास्टिक के आते हैं, चूंकि RS Turbo के अंदर ये एल्युमिनियम की फिनिश में आते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है एज कम्पेयर टू सिविक एक्स। ये गाड़ी सिविक एक्स से थोड़ी लंबी भी ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा है और नीचे भी है, जिसकी वजह से एक तो इसकी ड्राइविंग भी बेहतर है और इसकी कैबिन स्पेस भी कंपैरेटिवली बेहतर है पिछले सिविक से। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है, इवन पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम का भी मेरे पास कोई खास इशू नहीं है, मेरे से लंबा बंदा कोई यहाँ बैठेगा तो शायद उसको हेडरूम का थोड़ा इशू हो। इसकी रूफ स्लोपिंग है बैक से। बाकी बैक पे यहाँ पर तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसमें हम दिया गया है तो थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ा सा इशू होगा। बाकी बैक पे यहाँ पे दो एयरवेंट्स दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, लेकिन चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते, होने चाहिए थे मेरे ख्याल में। ग्रैंडी में चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं लेकिन एयरवेंट्स नहीं आते, सिविक में एयरवेंट्स आते हैं लेकिन चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते, तो इस लिहाज से सिटी बेहतर है। सिटी में चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं और एयरवेंट्स भी आते हैं, इसमें एयरवेंट्स आते हैं लेकिन चार्जिंग आउटलेट नहीं दिए गए, होते तो अच्छी बात थी। खैर बैक पे यहाँ पे इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। और उसके अलावा सेंटर में एक यहाँ पे सेंटर को सोल दिया गया है, जिसको खोल के आप इसमें दो कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैग पे यहाँ पे ऊपर एक कैमरा लाइट आती है जो LED में है। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे कोई एयरबैग्स नहीं आते, एयरबैग के स्लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे लेकिन ये ब्लैंक हैं। ऊपर हैंडरेस्ट इस गाड़ी में दोनों रियर पैसेंजर्स के लिए आते हैं। डोर पैनल गाड़ी के फ्रंट डोर पैनल की तरह ही हैं कलर्स के लिहाज से, लेकिन इसमें जो ये पैनल है बैक वाला ये चीप प्लास्टिक है। फ्रंट पे एक ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है, बैक पे ये चीप प्लास्टिक दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई होंडा ने यहाँ पे चीप आउट किया है। टर्बो RS में ये सेम आते हैं फ्रंट और बैक पे, इसमें ये प्लास्टिक के हैं। ये गाड़ी जो एक चीज़ लैक करती है वो ये कि इसमें जो रेयर सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ नहीं है, ये फोल्ड नहीं होती। ग्रैंडी में ये फोल्डेबल हैं, एलेंट्रा में भी, तो उनकी सीट्स को आप फोल्ड करके उस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो सिविक की 11 जनरेशन में एक ही इंजन साइज ऑफर किया गया है, 1500 cc टर्बोचार्ज। इसमें तीन वेरिएंट्स हैं, तीनों ही वेरिएंट्स में इंजन 1.5 टर्बो आता है, लेकिन अगर आप RS लेते हैं तो आपको फीचर के साथ साथ पावर भी ज़्यादा मिलती है। ये गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है सिर्फ, जो कि कंपैरेटिवली इवन सिविक एक्स से भी कम है। सिविक एक्स में जो 18 cc इंजन आता था वो भी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। तो इनिशियली पिक के अंदर सिविक एक्स इसको गैप दे जाएगी, लेकिन क्योंकि इसका टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, तो ये शायद लॉन्ग रन में निकल जाए उससे। इसका टॉर्क 180 है जबकि सिविक एक्स का 170 था, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जिसकी वजह से शायद ये गाड़ी लॉन्ग रन में इसको गैप दे जाए, लेकिन इनिशियली सिविक 1.8 भी इसको गैप दे जाएगी। बाकी इस गाड़ी का जो 1.5 टर्बो RS वर्जन है उसके अंदर जो इंजन आता है वो 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। इन दोनों कार्स में इंजन सेम है लेकिन इनके बोर और ट्रांसमिशन का फ़र्क है, जिसकी वजह से वो कार ज़्यादा पावर निकालती है। बाकी इंजन इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है ये सिर्फ 1500, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी ह्यूज है क्योंकि इसमें टर्बोचार्जर भी लगा हुआ है। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, और उसके अलावा इसमें ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। बाकी बोनट के अंदर इसके ये इंसुलेशन दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि नॉइज़ और हीट दोनों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिटिंग्स पे थोड़ा गौर किया जा सकता था, ये गाड़ी काफ़ी हद तक सी थ्रू है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 215, 55 और 16।
इस गाड़ी में 16 इंच का बीजी लक्सर प्लस का टायर आता है जो कि बेसिकली जनरल का ही टायर है और मेरे ख्याल से आपको ये टायर लेके चेंज करवा देना चाहिए क्योंकि इसकी कोई खास ग्रिप नहीं होती और ना ही इसकी ड्राइव की बहुत स्मूथ होती है। ये हार्श सा होता है और आपकी ड्राइविंग का प्लेजर भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। आप इसमें कुछ और टायर लगा लेंगे तो इसकी ड्राइव काफ़ी बेहतर हो जाएगी। खैर, रिम भी इस गाड़ी में दो ऑफर होते हैं। ये इस गाड़ी का 16 इंच का रिम है। इसमें जो RS टर्बो वर्जन आता है उसमें रिम 17 इंच का होता है। वो फुली ब्लैक आउट रिम है और मेरे ख्याल से वो भी देखने में अच्छा लगता है। खैर, इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है और ये भी आई गेस नॉट बैड। ये ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है और सिविक में ऑल व्हील डिस्प्ले आती है। ये था आज का रिव्यू होंडा सिविक बेसिक वेरियंट का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।